कितने साल के हो, कितनी ज़िफ़ है, चड्डी का कलर क्या तेरे? इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? हाँ तो आप लोगों के कुछ अजीबो गरीब और मस्त सवालों के जवाब देने के लिए आ गया हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब। तो पहला सवाल आया है यमराज की तरफ से। भाई आप कितने साल के हो और मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? तो देखो यार, मेरी एज है 157,680 घंटे, मतलब कि मैं अभी 18 साल का हूँ। अब रही बात कि मेरी आवाज इतनी अच्छी क्यों है, तो ये कुछ एडिटिंग का कमाल भी है। बिना एडिटिंग के वॉइस कुछ ऐसा लगता है, लेकिन एडिटिंग के बाद। अगला सवाल है FSC फैक्ट अबाउट वर्ल्ड की तरफ से। ब्रो तुम एडिटिंग कैसे करते हो? इनका शायद टाइपिंग करते समय यहाँ गलत हो गया होगा, लेकिन ये शायद एडिटिंग के बारे में ही पूछ रहे होंगे। तो मैं एडिटिंग करता हूँ पावर डायरेक्टर और काइंड मास्टर से, और ये पुराना प्रोजेक्ट आप देख भी सकते हो। वैसे मुझे भी पहले एडिटिंग नहीं आती थी, लेकिन समय के साथ सब सीखता गया, और ये सही भी है। अगला सवाल आता है RDX राजीव की तरफ से। आप YT क्या सोच के आए थे? तो देखो यार, मुझे फैक्ट्स वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आते थे, और मैं घंटों भर बैठकर फैक्ट्स वीडियो देखा करता था। फिर मुझे यहीं से आइडिया आया, क्यों ना मैं भी ऐसे वीडियोस बनाऊं। फिर मैंने जब यूट्यूब की जानकारी के लिए सर्च किया, तो पता चला कि YouTube इसके पैसे भी देता है। और सच में इसके पहले मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि इसके पहले मुझे गेम खेलने और वीडियोस देखने से मतलब था। RDX राजीव का एक और सवाल है, आपकी कितनी GF है? नहीं यार, मेरी एक भी GF नहीं है, मैं सिंगल हूँ और सिंगल ही खुश हूँ। अगला सवाल आता है एडिट किंग की तरफ से। भाई आपका नाम एंड सरनेम क्या है? मेरा नाम है आकाश और सरनेम है शर्मा। अगला सवाल है सुचित प्रैंक की तरफ से। भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक्स, लव यू। ऐसा बोलूंगा सोच रहे थे क्या? मैं तो आपको जानता तक नहीं, लेकिन चलो ये रहा मेरा कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, वैसे तो मैं किसी का चड्डी के कलर नहीं पूछता, लेकिन तुम बता ही दो। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। दूसरा क्वेश्चन, भाई आपकी GF गोबर फेंकने वाली का क्या नाम है? मैं नहीं बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन, आप दिन में कितने बार मुंह? अगला सवाल है, भाई आपकी इनकम कितनी है? तो देखो यार, मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो अभी तो मुझे एड के पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मुझे एक शॉर्ट फंड मिला है जो कि 7,000 से 8,000 रुपए का है। अगला सवाल है, भाई गोल क्या है आपके? तो यार मेरा गोल है नाम कमाना, अपनी एक अलग पहचान बनाना, क्योंकि यार जॉब तो हर कोई करता है, पैसे तो हर कोई कमाते हैं, गरीब से लेकर अमीर तक, लेकिन नाम बहुत कम लोग ही कमा पाते हैं। अगला सवाल है, भाई आपको वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है? मेहनत तो यार बहुत लगता है, क्योंकि जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना रहता है उसके बारे में पहले रिसर्च करना होता है, फिर स्क्रिप्ट लिखना होता है, उसके बाद वॉइस ओवर करो, फिर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस क्लिप खोजो, और फिर उसे एडिट करो, तब जाके तो एक वीडियो अपलोड हो पाता है। और इन सभी प्रोसेस को करने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। अगला सवाल है, भाई आप स्टार्टिंग से ही फैक्ट वीडियो डालते हो या कोई और? नहीं यार, सबसे पहले मैंने मजाक में इधर उधर से 2 वीडियो डाउनलोड करके डाल दिए थे, फिर मैंने बाद में उसे डिलीट भी कर दिया। तो ये थे आज के कुछ सवालों के जवाब। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और आपको भी पूछने हैं कुछ ऐसे सवाल तो इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।